रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अभिलेखागार में अभिलेखों को तुरंत कर नाम बदलने और पन्ने गायब करने के मामले में जिला अधिकारी महाराज श्रीवास्तव के आदेश पर कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने कोतवाली में तहरीर देकर 6 लोगों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है। आदेश के बाद भी दोषियों पर मुकदमा दर्ज न कराने व फर्जीवाड़े में संलिप्तता प्रतीत होने पर अभिलेखपाल रुकैया बेगम के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया गया है। दरअसल रायबरेली जिले के सलोन प्यारेपुर, नूरुद्दीनपुर और जोधा गांव की जमीनों से संबंधित अभिलेखागार में रखे दस्तावेजों में हेराफेरी और पन्ने गायब करने का मामला पिछले महीने पकड़ में आया था। पूर्व एडीएम प्रेम प्रकाश उपाध्याय की जांच में 5 लोग दोषी पाए गए थे। डीएम के निर्देश पर बीती 16 जून को ही एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने अभिलेखपाल राजस्व रुकैया बेगम को संबंधित पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे, पर हीला हवाली कर चलते मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा रहा था, जिसके बाद डीएम महाराज श्रीवास्तव ने गंभीर रुख अपनाते हुए प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। सर, एक अभिलेखागार का प्रकरण आया था, इस पर कुछ एफआईआर दर्ज कराई, क्या पूरा मामला था, किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई? अभिलेखागार ने प्यारेपुर गांव के कुछ विकास में पिछले विगत एक वर्षों में उनको छेड़छाड़ किया गया था। प्रारंभिक स्तर पर ईडीएम एफआर के द्वारा जांच की गई थी, तदुपरांत कमेटी बना करके इसकी जांच की गई और यह पाया गया कि 3 गांव के साथ साथ में अन्य गांव में भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से रिकॉर्डों में छेड़छाड़ की गई है और उन रिकॉर्डों में छेड़छाड़ करने के उपरांत जो लाभार्थी हैं उनका भी इसमें दोषी बनाया गया है। साथ ही साथ जो इलाके दे ही रहे हैं, साथ ही वहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी में जो इंसान पत्रों को निकालते थे उनको प्रथम दृष्टया दूसरी पाते हुए जांच करनी है। कितने लोगों के खिलाफ? टोटल 5 लोगों के विरुद्ध जो है इसमें।